पापा नौकरी नहीं मिलेगा पक्का है। पापा से बोलते खेत से बेच के कागजों से निकला हुआ है। बिहार में रोज मुख्यमंत्री आ जा रहे हैं, रोज अच्छा, कोई हाँ इस्तीफा दे, कल मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अच्छा, एग्जाम का डेट ही नहीं है, पेपर लीक हो गया। अरे भाई रे, क्या हो रहा है बाबा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आपका दोस्त पहुंच चुका है एग्जाम सेंटर पर, जो कि यूपीपी का एग्जाम होने वाला है। तमाम दोस्त हमारे यहाँ खड़े हैं। कहा भाई एग्जाम दे रहे हैं आप? कहाँ से आए भैया? नारीबाड़ी। कहाँ है? किस प्रकार लगता है आपको भाई कि एग्जाम हो रहा है यहाँ पे सेंटर में? एक तो हो गया है सिटिंग वाला, एक सीट वाला सेटिंग वोटिंग है नहीं आपको कुछ? तमाम लोग सेटिंग है भाई, 12-13 लाख 15 लाख रुपया कुछ नहीं है, पैसा नहीं है। पापा नौकरी नहीं मिलेगा आपका पक्का है? पापा से बोलते खेत से बेच के कागजों से निकला हुआ है, नौकरी लेना हो तो नहीं तो बिना नौकरी के रह जाएंगे। शादी वादी हुई नहीं भैया? बहुत तकलीफ होगी, बता दे रहे बाकायदा नौकरी नहीं मिलेगी आपको तो। आपको दिखा देंगे, तमाम दूर दराज से आए हैं एग्जाम सेंटर पर यहाँ पेपर देने के लिए। तो अभी हम लोग निकल ही रहे थे यहाँ पे, हम कहे एक ब्लॉग थोड़ा सा बना रहे मिनी आप सभी के लिए, और दिखा दें किस तरह बेरोजगार लोग हैं। 60,000 वैकेंसी आई है और जिसमें से फार्म 50 लाख लोग भरे ना भाई, 60 लाख। बाप रे, भैया को पूरा जानकारी है। तो भैया कहाँ जाए भैया आप? कहाँ इतना शर्मा रहे हैं? पेपर देने आए हैं कि दिलाने आए हैं? देने आए हैं। तैयारी किस प्रकार है आपकी? तैयारी लगभग एवरेज कर सकते हैं। हाँ, चौचक नहीं है क्या? सेटिंग बनाएंगे अपना एग्जाम सेंटर में कि बस वैसे ही? सेटिंग क्या होता है? अरे भाई नहीं नहीं, ये सब पढ़ने लिखने पकड़े जा रहे हैं। पता है आपको एक एक दो दो कार रुपया यहाँ से बरामद हुई है कल। सही तो है, और क्या चाहिए? अबे यार तो काम हो जा रहा है तो फिर सेटिंग से काम मतलब आप भी सेटिंग कराए अपना बता नहीं रहे? बात ऐसा है ना कि पढ़ने लिखने वाले के लिए सेटिंग नहीं होता। अच्छा, मतलब आप तो बोले पढ़े लिखे सही से, मतलब कि अभी बीच में बोले कि मीडियम रेंज में आप एवरेज है, तब बिना सेटिंग के काम होगा ही नहीं आपका भाई? अब न होगा तो नहीं होगा, क्या कर सकते? अच्छा, मतलब रहेंगे तो अपने ही दम पे। अच्छा, चाहे जहाँ तक जा। जी बिल्कुल भाई, बाहुबली है भाई अपना। और भाई आपका क्या माहौल है? अभी पेपर देने आए हैं, कैसा सीन है अभी यहाँ का इस समय एग्जाम सेंटर में? बड़ा पूजा पाठ करके आए हैं, जय हनुमान जी के नाम से टिक लगाएंगे क्या? अच्छा, दर्शन भी करके आ रहे हैं। चलिए भैया आपका एग्जाम बढ़िया हो। तमाम दोस्त जो है कि देख रहे हैं अभी, भाई क्या माहौल है अभी यार एग्जाम में बताइए आप लोग। शर्मा ऐसे रहे जैसे हम लड़की हूँ भाई, लड़का देखने आए हैं आप, शर्मा नहीं चाहिए गाइस। बता दें कि लड़के जो है बेरोजगार है, एक तो शर्माते बहुत है इसलिए कुछ पाते नहीं है। वोट तो दे देते हैं आराम से लेकिन कुछ ले नहीं पाते हैं, मांगने में शर्म आती है इनको सरकार से। यही इलाहाबाद से। इलाहाबाद से तो क्या लगता है, आरओ एआरओ में तो चौपट हो गया था, इसका क्या सीन है अभी? सरकार से यही निवेदन है कि परीक्षा संपूर्ण मतलब नकल न हो, आराम से कराए, नकल न हो, वही गुजारिश है। सुनने में आया है कि बहुत लोगों का सेटिंग वोटिंग भी चल रहा है, ऐसा कोई तो सीन आपका तो नहीं भाई? नहीं, सरकार बहुत सख्त है इस पे। मुझे लगता है कि अच्छे से होगा। और दो भाई तीन भाई इधर ग्रुप में बैठ के आए हैं भाई, भाई कहाँ से भैया? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से? इस बार तो अच्छी तैयारी हमारी, पेपर के जो आएगा उसके लिए काफी तैयारी करके आए हैं। और उम्मीद क्या है सेंटर से? सेंटर थोड़ा दूर पड़ गया, हम लोग यहाँ भी कर सकते थे, पास में थोड़ा दूर है थोड़ा यहाँ से। क्या नाम हुआ भाई आपका? विवेक कुमार। हाँ विवेक कुमार। और इतना दिन पढ़े अभी भी पढ़ रहे हैं यार, बैठे बैठे क्या करें, मोबाइल चलाएं, थोड़ा देख ले रहे हैं बैठे बैठे। कितना अटेम्प्ट दे चुके हैं आप पेपर? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट से कैसे तैयारी है इस बार आपकी? अच्छी तैयारी। क्या लगता है आपको इस बार तो क्लियर हो ही जाएगा? क्लियर हो जाएगा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट है यूपी पुलिस। आरओ आरओ में जो हाल हुआ तो वही हाल इसमें हुआ? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल देखने को ऐसा मिल नहीं रहा है, अभी मेन गेट पे जाने पे भी पुलिस वाले सर लोग हैं वहाँ पे जाने नहीं। अरे मेन गेट के, गेट के तो अंदर बाहर नहीं होता है सब, मामला गेट के अंदर ही होता है भाई, समझ रहे हो? नहीं, गेट तो दिखाने के लिए बना है। अच्छा, जो भी हो एग्जाम पैसा बोलता है, पैसा पैसा गाना सुने हो ना भाई, कुछ ये वाला सीन है। और आप भी तैयारी करें? जी सर। लग तो नहीं रहा है भाई यार, मोबाइल चला रहे हैं कब से? नहीं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं? जी जी। ऑनलाइन जब से आया है ना, ऑफलाइन वालों का धंधा चौपट कर दिया भाई। तो
ठीक है, गरीब के लिए ठीक हो गया है, ऑनलाइन पढ़ने के लिए सुविधा हो गया कि घर से भी पढ़ सकते हैं आप लोग, घर से भी तैयारी कर सकते हैं हम लोग। घर से पढ़ रहे थे आप, कोचिंग ऑफलाइन किए थे? नहीं, हम घर से भी पढ़ रहे हैं, रोजगार भी था। अच्छा, कहाँ पे आपका घर है भाई? ये हम लोग का बिहार है, आरा से आए हैं। आरा से? आरा। तो सुने भाई, बिहार उहार में जो है कि बढ़िया सरकार काम कर रही है नौकरी पे? ये सरकार कहाँ काम कर रही है, अभी तो देख ही रहे हैं। अभी तो बिहार पुलिस का लीक हो गया क्वेश्चन की, अभी तक उसका ये सब अभी एग्जाम का डेट ही नहीं है, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया? अरे बाबाई रे, क्या हो रहा है बाबाई यूपी और बिहार में? तो भाई क्या कहना है, सरकार होगा इसके पैसे मामले क्या कहे, सरकार कुछ नहीं कह सकते, बस रोना अपने किस्मत में। क्या कह सकते, जानता हूं इधर मुख्यमंत्री उठा बैठ रहे हैं बिहार में, रोज मुख्यमंत्री आ जा रहे हैं, रोज कोई इस्तीफा दे, कल मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अच्छा, ये हाल हो गया है। अरे भाई कौन सी मूवी आई थी वो? अरे उसकी क्या नाम था भैया उसका, अनिल कपूर का? भाई क्या सीन है आपका, क्या लगता है कि इस बार यूपीपी वाला जो एग्जाम हो रहा है, नकल वकल की संभावना, तमाम लोग ये सेटिंग वोटिंग करके आए हैं, सक्सेस रहेंगे कि बस उनका भी वही होगा आरओ एआरओ वाला हाल? ये नकल होगी, इसमें नकल इसमें भी होगी, सरकारें कितना भी कड़ी बंदोबस्त करें लेकिन माफियाओं से बचा, नकल माफियों से तो बचा नहीं सकते भाई। बहुत पैसा खाए यार लोगों से, बता दे कि आप सभी के मेरा भाई जरा सब पैसा खा रहे हैं भाई, आइसक्रीम खा रहा है अभी। कैसे रहे भाई, पेपर देने आए? कैसा क्या लगता है अभी, इस साल तैयारी कैसी है? अच्छी है। अच्छी है, तो नकल वकल की संभावना है आपकी? सिटी वोटिंग कराए हैं? नहीं। 4 लाख रुपया तो भाई हम करा दें, नहीं देंगे। कोई नहीं भाई, मतलब जम के पढ़ के आए हो? कहाँ से भाई? राजस्थान। राजस्थान से? तब तक मेहनत करके आए हो भाई? बिल्कुल। दूसरे क्वेश्चन पूछे? पूछो। कहाँ से आप? प्रयागराज। प्रयागराज से? तैयारी किस प्रकार है आपकी? सही है। ऑनलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग की? ऑनलाइन की। क्या सीन था ऑनलाइन ऑफलाइन में, ज्यादा बढ़िया कौन सा लगता था आपको कि ऑनलाइन आप चूज कर ली? हमें ऑनलाइन सही लगा था, हम ले लिए ऑनलाइन। तो पढ़िए कि बस मोबाइल चलाते इस दिन भर, टिकटॉक इंस्टाग्राम वगैरह पढ़ते हैं? चलिए ठीक है, तो क्या लगता है आपको आरओ एआरओ की तरह पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा यूपीपी में, या आपकी धड़कने कैसी है अभी सुबह? एग्जाम सेंटर भी आपका सेकंड मीटिंग में ना, तो अभी से पहले पहुंच गए हैं, क्या माहौल है अभी यहां का देख के आपको क्या लगता है? समझ में नहीं आ रहा है कुछ, दिमाग हैंग हो गया। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ऐसे ब्लॉग देखने के लिए इंडियन ब्लॉग स्टार को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद प्यारे मित्रों।